अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फतेहाबाद में बस स्टैंड परिसर में रोडवेज बस के आगे बाइक रोकने को लेकर बाइक सवार तीन युवकों और बस चालक परिचालक के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची और मौके पर जमकर मारपीट हुई। पूरी घटना बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सिटी थाना के एसएचओ रिचपाल सिंह ने बताया है कि कंडक्टर की शिकायत पर आरोपी तीनों युवकों के खिलाफ सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ ने बताया है कि कंडक्टर ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि बस स्टैंड पर बाइक सवार युवकों ने झगड़ा किया और मारपीट भी की, जिसके आधार पर बाइक सवार युवकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। ये इनका कोई बस स्टैंड के अंदर आपस में किसी बात को लेकर के बोलचाल हो गई थी, तो जिस पर कंडक्टर ने शिकायत दी उसके आधार पर अनिवार्य कार्रवाई कर दी गई है। किसके खिलाफ शिकायत दी है जी, कहाँ का मामला? ये तीन युवक थे, एक अग्रवा का है और दो बिगड़ गांव के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो किस बात को लेकर अनबन हुई थी सर? वो आपस में किसी बात को लेकर हुई थी। तो क्या कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से? 157 कर दी गई। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।